वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा थर्ड लेक्चर है ऑटोकैड में। लेक्चर नंबर 3 में हम कुछ यू कमांड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कमांड जो है वो है हमारे पास अंडू कमांड, जिसके लिए कमांड यूज होता है कंट्रोल सेट। नेक्स्ट है ऑर्थो कमांड, इसके लिए हम F8 या ऑर्थो भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास लाइन विद एंगल, मतलब हम लाइन को स्पेसिफाई एंगल के साथ कैसे ड्रॉ करें। स्ट्रेट लाइन वगैरह तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम एक लाइन को मखसूस एंगल के साथ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास कमांड है नंबर 4 मूव कमांड। एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए हम मूव कमांड यूज करते हैं, जिसके बाद ये शॉर्टकट्स हमारे पास गिवन है। तो आइए चलते हैं, ऑटोकैड को ओपन करते हैं। ये हमारे पास ऑटोकैड ओपन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यूनिट सेटिंग हम करते हैं, इसके लिए हमारे पास कमांड है UN Enter, वही प्रीवियस कमांड आर्किटेक्चर, और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं 1/8, और यहाँ से हम इंचेस सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ओके। फर्स्ट हम एक अंडू कमांड को यूज करते हैं। हम लेट्स सपोज एक सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, C Enter। तो ये हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं, C Enter। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दूसरा सर्कल है मेरे पास, ये रिमूव हो जाए। तो डायरेक्ट अगर आप इरेज नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट प्रेस कर लो Ctrl Z, तो आपके पास सर्कल रिमूव हो जाए। अगर आप चाहते हो ये दूसरा सर्कल भी मेरे पास ना रहे, तो फिर आप प्रेस कर लो Ctrl Z, तो ये भी आपके पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास अंडू कमांड है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास वो है ऑर्थो कमांड। ऑर्थो कमांड हम किस लिए यूज करते हैं? ऑर्थो कमांड हम स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, L Enter, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब देख लो ये लाइन जो है ये हमारे पास फ्रीली मूवमेंट कर रही है, मतलब ये स्ट्रेट नहीं ड्रॉ हो रही, मतलब ये थेड़ी वेड़ी जिस एंगल में मतलब आप ड्रॉ करना चाहते हो तो उसमें ये ड्रॉ हो रही है, ठीक है। अब मैं इसके बिल्कुल, अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है F8। F8 देखो मैंने प्रेस कर लिए, तो लाइन मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, ठीक है, बिल्कुल ये स्ट्रेट हमारे पास लाइन ड्रॉ। इसके लिए यहाँ पर भी ये कमांड लिखा हुआ है ऑर्थो का, ये प्रेस करोगे तो आपके पास ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ 11 feet, ओके, लाइन क्लोज, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन क्लोज होगी। अब जूमिंग के लिए ये माउस भी मैं यूज कर सकता हूँ, माउस के कर्सर की मदद से भी ये जूमिंग हो सकती है, और इसके लिए फर्दर आगे कमांड भी इस्तेमाल होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारे पास है लाइन विद एंगल, ठीक है, लाइन विद एंगल। अब इसको मैं इरेज करना चाहता हूँ, ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली है, Press E Enter, तो ये लाइन खत्म हो गई। अब नेक्स्ट मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ जो हमारे पास स्पेसिफाई स्पेसिफिक एंगल पे, L Enter, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने इसको दे दिया। ये लाइन की लेंथ फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 8 feet हो, 8 feet मैंने दे दी। फिर शिफ्ट के साथ ये बटन आप प्रेस कर लोगे तो ये आपके पास एक स्पेसिफाई एंगल ड्रॉ करे। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको दे दूँ 45 degree, तो ये प्रेस एंटर, तो ये देख रहे हो आप ये लाइन बिल्कुल एक्यूरेट मेरे पास 45 degree पे ड्रॉ हो गई, ठीक है। अगर आप चाहते हो 90 degree पे मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, वही सेम स्टेप, L Enter, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, साइज दे दो इसके लिए जो भी आप साइज देना चाहते हो, 8 feet मैंने दे दी, फिर शिफ्ट दैट एंड 90 एंड प्रेस एंटर, ठीक है। तो ये आप देख लो ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन बिल्कुल एक्यूरेट ये
90 डिग्री पे ड्रा हो गई। ठीक है, अब अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो ये सेलेक्ट ऑल कर लो, ई एंटर, तो ये कंप्लीट मेरे पास रिमूव हो गई। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास चौथा कमांड है, आज का लास्ट कमांड जो है वो है मूव कमांड। मूव कमांड मैं ये कुछ सर्कल ड्रा करता हूँ, कुछ आर ई सी रेक्टेंगल, आपके प्रीवियस कमांड भी इसके साथ रिपीट हो रहे, सी के लिए सर्कल कमांड्स यूज हो रहे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है मेरे पास ये यहाँ से इस रेक्टेंगल में मूव हो जाए, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कमांड है एम एंटर, एम एंटर मैंने प्रेस कर लिया, तो इसको मैं अब यहाँ से पकड़ के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये मेरे पास यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मूव कमांड है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी जगह लेके जाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो एम इंटर, फिर आप ऑब्जेक्ट को जहां भी लेके जाना चाहते हो ये वहां आपके साथ मूव हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।